गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। 2 मिनट वेट करेंगे ना? यस मैम। चैप्टर 12 एटम। कोई बता सकता है क्या? व्हाट इज एटम? किसी को नहीं पता? देखो, इंट्रोडक्शन में दिखा रहा है ये चैप्टर जो है आपका एटम, और इसके बाद है न्यूक्लियाई चैप्टर 13। दोनों चैप्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड है। पुराने टाइम पे जो लोग थे उनका ये मानना था, सॉरी, वो लोग को ये सोचते थे कि हमारे जो आसपास की चीजें हैं वो किस टाइप की होती है, किस तरह से बनी हुई होती है। तो इसके लिए एक इंडियन थिंकर महर्षि कनार ने एक हाइपोथेसिस दिया था एटम के बारे में, ठीक है। उन्होंने एटम को एनालाइज करके उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस दिया था। उन्होंने ये बताया कि जो एटम होते हैं वो मैटर का इनविजिबल पार्ट होता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं और जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। वो इतना ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कि उसको बाद में फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, उसी को एटम कहते हैं। फिर 1808 में ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दिया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया था, द स्मॉलेस्ट और द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है या अल्टीमेट पार्टिकल होता है उसको एटम कहा जाता है।
एटम जो होता है वो सॉरी एलिमेंट जो होता है वो एटम से मिलके बना होता है। हर एक जो अलग अलग ऑब्जेक्ट होता है, अलग अलग एलिमेंट होता है, वो अलग अलग टाइप के एटम से मिलके बना होता है। एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी एलिमेंट का, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट तो लेता है बट फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। 1897 में सर जेजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। तो आगे देखिए, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हमने पहले पढ़ा था कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, और उसके सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इस कारण से ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए अलग अलग मॉडल को रिप्रेजेंट किया गया है अलग अलग साइंटिस्ट ने। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एटम के बारे में यहाँ पे थ्योरी दी हुई है। फर्स्ट देखिए, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन मॉडल देखिए एटम का। तो 1898 में जेजे थॉमसन ने एक मॉडल बनाया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में बताया था कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, जिसको थॉमसन मॉडल का नाम दिया गया। उन्होंने चलिए, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने एटम के बारे में बताया था। उन्होंने ये बताया कि जो एटम है जिसमें जिसकी जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनका रेडियस लगभग 10^-10 मीटर का होता है, वो इससे स्मॉल होते हैं। क्या हो गया मुनमुन, तुम क्या बात कर रही हो यहाँ पे? मुनमुन प्रजापति? यस मैम। क्या बात कर रही हो बेटा तुम, आप किससे बात कर रही हो यहाँ पे? सॉरी मैम, गलती।
तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो किसी एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इक्वल इक्वल हर एरिया पे बटे हुए होते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस स्फीयर के इनसाइड सीड की तरह फिल होते हैं, जिस तरह से वाटरमेलन में आपका जो प्लम होता है और जो उसके सीड्स होते हैं वो इस तरह से फिल होते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो एटम के अंदर फिल होते हैं। ठीक है, वो इस तरह से फिल होते हैं कि उनके बीच में जो म्यूचुअल रिपल्शन फोर्स होता है वो अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस किए हुए होता है। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स होगा, यहाँ से अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बैलेंस आएगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे आते हैं तो वो इनके बीच का जो रिपल्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस किए हुए रहता है। कारण से जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है या स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं उतने नंबर ऑफ वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो जो मास है पॉजिटिव चार्ज का या फिर जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो उस स्फीयर के ऊपर इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पे इसको ड्रॉ दिया हुआ है थॉमसन मॉडल का। ठीक है, इसका मेरिट देखिए, इस मॉडल की हेल्प से थर्मियोनिक एमिशन के प्रोसेस को बताया गया था और फोटो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, इसका मेरिट वो, और भी मेरिट ये बताया गया है कि इसकी हेल्प से हाइड्रोजन या अदर आइटम की स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज को नहीं बताया जा सका, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद में अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल को भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। सेकेंड है आपका रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में 1911 में रदरफोर्ड ने एच जिगर और ई मार्टसन के साथ में एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड करके गोल्ड फॉइल पे, उन्होंने गोल्ड का फॉइल लिया था और उसके अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड किया था और इसकी हेल्प से एटम के स्ट्रक्चर को बताया था। यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम एटम के अंदर का होता है, जिसके अंदर के दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिमूव किए जा सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि हीलियम का जो एटम नंबर होता है वो 2 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हीलियम एटम है इसके इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे 2 होंगे और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो भी सेंटर पे 2 होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हुआ। अब इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे।
याद रखिए, उन्होंने यहाँ पे लीड कैविटी ली हुई है, लीड कैविटी, और यहाँ पे कोलिमीटर लगा हुआ है ताकि जो अल्फा पार्टिकल है वो स्प्रेड जा सके। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक तो सर्कुलर स्क्रीन लिया हुआ है और सेंटर पे एक गोल्ड की फॉइल ली है जिसपे कि अल्फा पार्टिकल आकर के स्कैटर्ड होगा, और एक डिटेक्टर लिया हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल लिया है वो 12.2 सॉरी उन्होंने अल्फा पार्टिकल जो लिया है मतलब कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? वो सब्सटेंस जो अपने एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होने के कारण स्टेबल नहीं कर पाते हैं, मतलब कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो उनके बीच का रिपल्सन फोर्स भी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, और रिपल्सन फोर्स ज्यादा होने से वो सारे जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेंटर से बाहर की ओर आने लगते हैं, तो उस टाइप के सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस लिया हुआ था जिसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दिया हुआ है 214 और 83, ठीक है, ये लिया हुआ था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसको उन्होंने इस लीड कैविटी के अंदर पे रखा जो कि एक नैरो एरिया यहाँ से बस ओपन किया हुआ है, बाकी हर तरफ से कवर अप होता है। फिर जो अल्फा पार्टिकल्स है वो यहाँ से निकलता है, एमिट होता है, ठीक है, और निकलता है तो वो कोलिमीटर के थ्रू निकलेगा और डायरेक्टली जा करके वो गोल्ड की फॉइल पे स्ट्राइक होता है, मतलब कि फॉल होता है, ठीक है। उस गोल्ड फॉइल की थिकनेस यहाँ पे हमने ली है 2.1 × 10⁻⁷ मीटर की। फिर जब आकर के वो स्ट्राइक होता है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाता है, और जब वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाता है तो उसको यहाँ पे मूवेबल डिटेक्टर लगा हुआ है, उसकी हेल्प से डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्क्रीन लगी है, सर्कुलर स्क्रीन लगी हुई है, ये जिंक सल्फाइड से कोटेड होती है, ठीक है। तो जब ये सारे पार्टिकल सॉरी सारे जो लाइन्स होती जाती है इसकी रेज होती है टकराती है तो बहुत सारे डायरेक्शन से फैल जाती है, तो जो एंगल बनता है इनके बीच का उसको स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। यहाँ पे मुझे ड्रॉ दिया है, यहाँ पे देखिए इसमें ये बताया गया है कि कुछ जो लाइन्स होती हैं वो सीधी सीधी जाती हैं, कुछ लाइन जो होती है वो सीधी जाकर हल्की सी बेंड होती हैं, और कुछ लाइन जो होती हैं वो उसको पार नहीं कर पाती है, डायरेक्टली मुड़ जाती है, ठीक है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में देखिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, और कुछ जो है 90 डिग्री से ज्यादा पे डिफ्लेक्ट होता है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि लार्ज नंबर ऑफ जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो अपने पाथ से डिविएट हो जाते हैं जब वो किसी यहाँ से क्रॉस करते हैं, ये आपका जो लगा हुआ है गोल्ड का फॉइल, जब यहाँ से वो जाते हैं तो वो क्या जो है वो डिविएट हो जाते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखो जैसे कि ये गोल्ड का फॉइल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है प्लस प्लस, इस तरह चार्जेस यहाँ पर है इस तरह से, ठीक है। तो जो अल्फा पार्टिकल है और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव ले लेंगे हम सारे, तो जब अल्फा पार्टिकल आता है तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो जहाँ पर उसको स्पेस मिलता है वहां से तो वो स्ट्रेट चला जाता है, और जैसे यहाँ से उसको स्पेस नहीं मिलेगा तो हल्का सा बेंड होके जाएगा, कहीं कहीं तो इधर चला जाता है, कहीं कहीं तो इधर जाता है, कहीं कहीं तो यहाँ से टकरा के वापस आ जाता है। कहता है कि वो तब वापस आता है जब उसको वहाँ पे स्पेस नहीं मिलता है बाहर जाने के लिए। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो चार्ज पार्टिकल, उनका जो मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो लार्ज रिपल्सिव फोर्स के कारण वो वहां से वापस आ जाते हैं, और जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वहां पर बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि जो अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया था वहां पे जो गोल्ड की फॉइल से हमको ये समझ में आया कि वहां पे भी प्रेजेंट वहां अंदर पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और दोनों फिल होते हैं, और जहां पे स्पेस होती है वहां से वो बाहर चला जाता है।
चलिए आगे देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जैसे कि हमने देखा अल्फा पार्टिकल जो थे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे, तो जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जाता है, मूव करता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के रिपल्शन के कारण बैक हो जाता है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए यहाँ न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन है, और अल्फा पार्टिकल ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। जब वो जाता है तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स, सॉरी रिपल्शन फोर्स होने के कारण वो वहां से बैक हो जाता है। ठीक है, तो वो लीस्ट डिस्टेंस न्यूक्लियस से जब अल्फा पार्टिकल उसके पास पहुंचने वाला होता है, यहाँ से जाते जाते जब वो यहाँ पे आता है तो वो सबसे क्लोजेस्ट या सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करता है, यहाँ से जा करके न्यूक्लियस तक पहुंचने में, उसको क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, जिसको आर नॉट से या आर जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि जब अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक होता है, से रिटर्न बैक होने के पहले जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं। तो यहाँ पे हमने लेट किया कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास हमने ले लिया एम, चार्ज पार्टिकल से प्लस टू ही लेंगे बिकॉज हमने यहाँ पे हीलियम लिया हुआ है, और हीलियम का चार्ज यहाँ पे हो जाएगा प्लस टू ई। ठीक है, बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से बहुत फास्ट होता है तो वहां पे रिपल्शन फोर्स लगेगा, और रिपल्शन फोर्स जब उस करेगा तो धीरे धीरे उसका पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होता जाता है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता जाता है। अगर कोई भी चीज मूव कर रही है, अगर काइनेटिक एनर्जी सॉरी मूव कर रही है मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी इसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है न्यूक्लियस के पास में तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज सॉरी इंक्रीज होती है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जब वो रेस्ट पे जाता है, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे जाता है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो है मूव करते करता है मूव करते हुए अपने पोजिशन को फिक्स करता है, मतलब कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो आर जीरो हम यहाँ पे लेट करेंगे। और देखिए, अब हम दूसरा चार्ज पार्टिकल लेंगे, न्यूक्लियस का चार्ज पार्टिकल जेड ई, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का, यू इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो जेड ई इंटू टू ई अपॉन आर जीरो। ये कहाँ से आएगा फॉर्मूला? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर का स्क्वायर। यहाँ पे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो हुआ, दो चार्ज के लिए हमने जेड ई टू ई लिया है और डिस्टेंस जो है वो आर जीरो है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को इक्वल करके हम यहाँ पे आर जीरो की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे कि वन अपॉन फोर पर एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है नाइन टू टेन पावर नाइन। ठीक है, जेड की जगह पे हम रख सकते हैं 79, गोल्ड कॉइल हमने यूज किया है तो गोल्ड के लिए 79 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ई की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू निकलेगी क्लोजेस्ट अप्रोच की। आगे है इंपैक्ट पैरामीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ न्यूक्लियस, वो डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए ड्रॉ, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे जो लाइन्स होती हैं वो उस एटम या गोल्ड फॉइल के इस तरह से मूव करती हैं।
ठीक है, तो एक जो रे है जो उस तरह से बेंड करके चली गई और एक जो सेंट्रल लाइन के थ्रू होकर के जाती है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम यहाँ पे इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। उनके बीच का जो गैप होता है उसको इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ये नोटिस किया गया कि लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर आएगा रिपल्सन फोर्स के कारण। अगर अल्फा पार्टिकल बहुत वीक होगा तो जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से पास हो रहे थे वो भी अनडिफ्लेक्ट होंगे, मतलब कि ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। स्मॉल इंपैक्ट पैरामीटर के लिए स्कैटरिंग एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है। इंपैक्ट पैरामीटर के लिए यहाँ पे जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आपका इंपैक्ट पैरामीटर के लिए फॉर्मूला दिया है, तो बी से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/4π ε₀ 2ZE cot थीटा अपॉन 2, और ई के प्लेस पर यहाँ पे रखा हुआ है आपका एम वी स्क्वायर, है ना। एनर्जी कितना होता है, ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 ऊपर आ गया यहाँ पर, एम वी स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक है। तो आप उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एग्जाम में। इस चैप्टर से आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह आता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो आगे मैं बता रही हूँ, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बताया था, जिस तरह से अल्फा पार्टिकल को एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया, तो उन्होंने इस मॉडल के लिए पर इस एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ थ्योरी दी थी कि जो हर एक एटम होता है उसका एक सेंट्रल एरिया होता है, सेंट्रल कोर होता है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, जहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और उस सेंटर पे ही उस एटम का जो पूरा मास है वो कंसंट्रेटेड होता है। न्यूक्लियस का साइज 10^-15 मीटर होती है, जो कि बहुत कम होती है, और एटम का जो साइज दिया है वो दिया है 10^-10 मीटर की। एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसकी चारों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं और वो सारे नेगेटिव होते हैं, और जितने टोटल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस से होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे रिवॉल्व करते रहते हैं। इस कारण से जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं वो उसी तरह घूमते हैं जिस तरह से सन के चारों तरफ पूरे प्लेनेट घूमते रहते हैं, और उनको सेंटर की तरफ घूमने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिस कारण से वो रिवॉल्व करते हैं। कुछ लिमिटेशन दिया गया है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मॉडल का। उन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मॉडल की हेल्प से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे और कुछ उसमें से इजली सक्सेसफुली भी हुए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वांटिटी स्टेबिलिटी ऑफ एटम और एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम स्टेबल कैसे होता है, एटम सॉरी मॉडल के अकॉर्डिंग हर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो चार्ज पार्टिकल होता है, जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जब चार्ज पार्टिकल इस तरह से घूमता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एमिट करता है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे चारों तरफ तो वो सेंटर की तरफ वहाँ पे उनको एक फोर्स लगता है घूमने की, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो जब वो सेंटर की तरफ घूमते हैं तो कंटिन्यूसली वो एनर्जी को एमिट करते हैं। तो इस वे में जो इलेक्ट्रॉन है जब वो रिवॉल्व करेगा तो वो स्पायरल पाथ को फॉलो करता है। स्पायरल पाथ का मतलब इस तरह से वो अपने रेडियस को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाता है। तो इसकी हेल्प से एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया गया था। दूसरा, according to this model, electrons can revolve in the orbit of all possible radius. Electrons जब चारों तरफ घूमते हैं अपने orbit में तो वो अपने possible radius में ही घूमते हैं, और घूमते घूमते वो एक घूमते घूमते वो एक स्पेक्ट्रम को एमिट करते हैं, ठीक है। इससे ये पाया गया कि जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम है वो बहुत ज्यादा लाइन स्पेक्ट्रम को एमिट करता है। तो कल से देखेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट क्या होता है, और अभी यहाँ से जो आपका टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी आपका टाइम यहाँ पे खत्म होने वाला है, मैं क्लोज कर रही हूँ। यस मैम।